दोस्तों, मैच से एक दिन पहले दिल्ली में आया ईशान किशन और हार्दिक पांड्या का तूफान, ठोंक डाले 49 गेंदों में 130 रन। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी बताने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप भी हैं हार्दिक पांड्या और ईशान किशन के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, IPL 2022 खत्म हो चुका है और अब इंडिया को साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 श्रृंखला खेलनी है, जिसकी शुरुआत 9 जून से होने वाली है। और इंडिया साउथ अफ्रीका की इस सीरीज का जो पहला मुकाबला है वो 9 जून को कल 7 बजे से भारतीय समय अनुसार अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला जाने वाला है। इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है और इस मुकाबले में भारतीय टीम को जो दो बड़ी दिक्कतें थी वो दूर होती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल दोस्तों, ईशान किशन जो कि IPL 2022 में बुरी तरह से फ्लॉप हुए थे, वो अब IPL 2022 के पूरे परफॉर्मेंस को भूल चुके हैं और अब वो हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर बहुत ही तगड़े साझेदारी कर चुके हैं। दरअसल दोस्तों, ईशान किशन ने इस मुकाबले में 49 गेंदों में 130 रन ठोंक डाले हैं, जो कि एक शानदार बल्लेबाजी मानी जा रही है। दरअसल दोस्तों, हार्दिक पांड्या और ईशान किशन के इस बल्लेबाजी के बदौलत यहां पर जो दो टीमों के बीच मुकाबले हुए थे उसमें काफी अच्छा प्रदर्शन किया इन दोनों खिलाड़ियों की टीम ने और आखिर में इसकी टीम ने मुकाबले भी जीत लिए। यह दिखाता है कि यहां पर IPL के फॉर्म को कतई भी नहीं दोहराने वाले हैं ईशान किशन, और जो हार्दिक पांड्या का IPL का फॉर्म था वो दोहरा रहे हैं वो यहां पर इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली सीरीज से पहले। ऐसे में दोस्तों, अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या आने वाले मुकाबले में इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला ऐसे ही बोलता है या फिर नहीं। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्रिकेट जगत की सभी खबरों के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें।